हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन पर। दोस्तों, जितने उम्मीदवार यानी कि यूपी एनएचएम के जितने उम्मीदवार हैं जिन्होंने नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर एनएचएम डिपार्टमेंट के कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वैकेंसी के लिए यहां पर फॉर्म फिल किए थे, अब वो सारे उम्मीदवार जो वेटिंग का इंतजार कर रहे हैं, जो नॉट शॉर्ट लिस्टेड है, जो वेटिंग लिस्ट में हैं, और यहां पर जो कैंडिडेट का रैंक नहीं हुआ था, जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड नहीं हुए थे, क्या उन उम्मीदवारों के लिए अब एक गुड न्यूज़ निकल कर दोस्तों आ रही है। क्योंकि यह गुड न्यूज़ वेटिंग वालों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि 17,000 प्लस के रिगार्डिंग आप सभी के लिए एनएचएम डिपार्टमेंट द्वारा एक अपडेट आई है। दोस्तों, आप सभी को ग्रुप के अंदर वो अपडेट देखने को भी मिलेगी। दोस्तों, उस अपडेट में क्या है उसके बारे में सारी चीज़ मैं आप सभी को बताने वाला हूँ, क्योंकि मैंने आप सभी को अपने प्रीवियस वीडियो में यह हमेशा अपडेट किया था कि आचार संहिता खत्म होने के बाद ही यहाँ पर जो है नेशनल हेल्थ मिशन डिपार्टमेंट द्वारा उनके रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा वेटिंग लिस्ट के लेकर एक अपडेट आने वाली है दोस्तों, क्योंकि जो एजेंसियाँ हैं उन्होंने अपने डाटा कंप्लीट कर लिया है और फाइनली दोस्तों वो डाटा क्या सबमिट किया गया नेशनल हेल्थ मिशन को, रिक्रूटमेंट बोर्ड को नहीं किया गया, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और वेटिंग लिस्ट के रिगार्डिंग क्या अपडेट आ रही है उसके बारे में मैं आप सभी को बताने वाला हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर देख लेते हैं क्या कुछ इसके रिगार्डिंग अपडेट है या नहीं है। तो जितने उम्मीदवार 1700 प्लस की वेटिंग का इंतजार कर रहे हैं, वो सबसे पहले जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि उस टेलीग्राम पर आप सभी को वो नोटिस देखने को मिल जाएगी जो काफ़ी ज़्यादा ग्रुप के अंदर वायरल हो रही है। साथ ही दोस्तों, ट्विटर कैंपिंग भी उम्मीदवारों द्वारा चलाया गया, कितना परसेंट वो उम्मीदवारों द्वारा वो सक्सेस हुआ उसके बारे में भी मैं आपको सारी विवरण बताने वाला हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप हर एक अपडेट की आप सभी को जानकारी देने वाला हूँ, क्योंकि आचार संहिता खत्म होने के बाद नेशनल हेल्थ मिशन डिपार्टमेंट द्वारा एक नया यहाँ पर जो है अपडेट आप सभी के लिए आने वाला है। तो उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को यहाँ पर शेयर करना हूँ। तो टेलीग्राम पर जरूर जुड़िए और जितने भी नए उम्मीदवार जो है हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं उन सभी का शुक्रिया करते हैं। और दोस्तों, नेशनल हेल्थ मिशन की उनकी नई रिक्वायरमेंट की अपडेट जानने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन को सब्सक्राइब कर सकते हैं कि टाइम टू टाइम हर एक नेशनल हेल्थ मिशन डिपार्टमेंट की अपडेट आप सभी तक को शेयर होते रहे। जी दोस्तों, क्या अपडेट है उसके बारे में आपको सारी विवरण यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाते हैं और देखते हैं कि क्या नई अपडेट यहाँ पर आ रही है। दोस्तों, नई अपडेट नहीं है, लास्ट अपडेट दोस्तों यहाँ पर आप सभी को अपडेट है वो यहाँ पर जो है आप सभी को 30 तारीख के बीच में यह अपडेट देखने को मिला था। दोस्तों, फर्जीवाड़े को लेकर भी यहाँ पर नोटिस जारी किए गए हैं और दोस्तों मैंने आप सभी को बताया गया था कि वेटिंग में थोड़ी प्रक्रिया में और लेट हो सकती है, क्योंकि फर्जी डॉक्यूमेंट लगाकर यहाँ पर एनएचएम के अंदर कार्य करने की कोशिश की जा रही है और उन उम्मीदवारों पर शिकंजा कसकर नेशनल हेल्थ मिशन डिपार्टमेंट द्वारा उनकी जाँच की जा रही है। उन सभी डॉक्यूमेंटों की दोबारा से जो है स्कैनिंग की जा रही है, जाँच की जा रही है और उस जाँच के बाद ही अब जो है आगे की भर्तियाँ भी निकाली जाएंगी और जो भर्तियों की वेटिंग पड़ी हुई है उनकी भी जाँच अच्छे से कर पूरी प्रक्रिया की जाएगी। क्योंकि दोस्तों, नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर जितनी भी डॉट पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा खाली रह चुके थे और आचार संहिता लगने के कारण यहाँ पर कोई भी कार्य जो है वो नहीं हो पा रही थी। तो दोस्तों, आचार संहिता होने खत्म होने के बाद जो है अब डॉट पॉइंट की निरीक्षण की जा रही है दोबारा से और निरीक्षण करने के बाद जो है डाटा आने वाली है। पर दोस्तों, जो एजेंसियाँ हैं वो आप सभी को यानी कि जो अपडेट निकल कर आ पा रही है, जो एजेंसियाँ हैं उनसे एनएचएम डिपार्टमेंट द्वारा रिपोर्ट मांगा गया है और एजेंसियाँ कहना है कि सेकेंड वीक तक यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन डिपार्टमेंट को सेकेंड वीक तक वो सारी डाटा जो है अपडेट कर दी जाएगी और सारी डाटा जितनी भी डॉट पॉइंट्स पे खाली है उन सभी डाटा को फॉरवर्ड किया जाएगा उन एजेंसियों के रिगार्डिंग और उस एजेंसियों में रिगार्डिंग जितने भी उम्मीदवार एनएचएम के अंदर स्टाफ नर्सिंग फार्मिस्ट एएनएम लैब टेक्नीशियन के अंदर प्रोग्राम वाइज जितने उम्मीदवार थे उन सभी की प्रोग्राम वाइज लिस्ट मांगी गई है और उस लिस्ट मांगने के बाद वो डाटा को यहाँ पर जो है क्रिएट कर एनएचएम हेल्थ डिपार्टमेंट को वो यहाँ पर सबमिट करने वाली है। तो यानी कि दोस्तों, किसी भी टर्म एंड कंडीशन के अंदर नेशनल हेल्थ मिशन डिपार्टमेंट द्वारा आप सभी के लिए वेटिंग की प्रक्रिया जाने होने वाली है। यानी कि जो यहाँ पर एजेंसियाँ हैं जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसियाँ हैं वो रिक्रूटमेंट बोर्ड को यहाँ पर सेकेंड वीक तक यानी कि सेकेंड वीक तक जून के आप सभी को डाटा भेज देगी। उसके बाद एनएचएम डिपार्टमेंट द्वारा उस डाटा की स्कैनिंग कर यहाँ पर अपलोड कर दी जाएगी। यानी कि दोस्तों, अब जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दी गई है, हर एक जो है जितने भी कर्मचारी हैं वो आ चुके हैं और नई रिक्रूटमेंट भी आप सभी को एनएचएम के अंदर देखने को मिलने वाली है। दोस्तों, यहाँ पर कई सारी वैकेंसी है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की, स्टाफ नर्सिंग की भी आप सभी को देखने मिलने वाली है, यहाँ पर रेडियोग्राफर की भी वैकेंसी है इस बार यहाँ पर आप सभी को देखने मिलने वाली है। जैसा कि दोस्तों, यहाँ पर जो वेटिंग की प्रक्रिया के लिए जो उम्मीदवार इंतजार कर रहे हैं और जो कह रहे हैं कि एनएचएम डिपार्टमेंट द्वारा यहाँ पर जो है फिर से एक बार जो है
अपनी प्रीवियस वैकेंसी को लेकर यहाँ पर जो है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की वेटिंग का जो इंतजार कर रहे हैं उनकी तरह यहाँ पर जो है 17,000 प्लस की वेटिंग को भी रोका जाएगा। तो दोस्तों मैं आप सभी को बिल्कुल ही यहाँ पर बता दूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इस महीने तक में यानी कि दोस्तों 20 तारीख तक में आप सभी के लिए वेटिंग की प्रक्रिया जो है वो यहाँ पर जजमेंट जो है आ जाएगा। और जो टेलीग्राम पर जाकर उस पीडीएफ को आप पूरे तरह से रीड भी कर सकते हैं, जो लगातार जो अपडेट आ रही है वो दोस्तों जो नोटिस है वो पूरी तरह से फेक है, क्योंकि इसे बताया गया है कि 2 या 3 दिनों के अंदर जो है नोटिस जो जारी हो जाएगी, पर दोस्तों वो नोटिस पूरी तरह से फेक है, उस पर आप बिल्कुल ही विश्वास ना करें। पर दोस्तों अब जो डाटा है रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा मांगा गया है, तो यहाँ पर जो है नेशनल हेल्थ मिशन डिपार्टमेंट द्वारा जो वेटिंग की प्रक्रिया है दोस्तों उसे जल्द से जल्द जारी कर उम्मीदवारों को नियुक्त किया जाए, क्योंकि NHM के डिपार्टमेंट के अंदर स्टाफ नर्सिंग फार्मिस्ट हर एक सेक्टर के अंदर दोस्तों हर एक प्रोग्राम के अंदर उम्मीदवारों की कमी है। और वेटिंग के चलते जितने उम्मीदवार सेलेक्ट किए गए थे 50% उम्मीदवारों ने भी यहां पर जो है उसे ज्वाइनिंग नहीं किया गया है, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर उनके सेंटर दूर थे, उनके डॉट सेंटर दूर थे, उनके होम टाउन से काफ़ी दूर थे, यहाँ पर 300-400 किलोमीटर दूर थे, और यहाँ पर संविदा कर्मी पर वो उम्मीदवार इतने समय के लिए जाना नहीं चाहते थे इतने दूर में, क्योंकि दोस्तों उनका सीधा एक ही एजेंडा था कि अगर हमारे घर के पास अगर वो वहाँ पर जो है डॉट पॉइंट मिलते तो हम इजिली कर लेते, इसलिए हर एक उम्मीदवारों ने होम सेंटर ही प्रेफरेंस किया था। पर दोस्तों बहुत ही कम उम्मीदवारों को होम प्रेफरेंस मिला है, क्योंकि आप सभी के नंबर के कैलकुलेटिंग के कारण मिलता है, तो इसलिए बहुत सारे यहाँ पर जो है डॉट पॉइंट खाली हैं, उम्मीदवारों की जो सीट खाली है, और इसके चलते दोस्तों हर एक सेक्टर हर एक प्रोग्राम में आप सभी को काफ़ी लार्जेस्ट नंबर की वेटिंग लिस्ट देखने को मिलेगी। कम से कम इस बार जो वेटिंग होगी वो यहाँ पर 5,000 प्लस की वेटिंग यहाँ पर आने वाली है दोस्तों, यह कंफर्म रखिएगा। और उसके बाद भी अगर जो कैंडिडेट, क्योंकि कई सारी नई भर्तियों के अंदर उन्होंने फॉर्म फिल किया है, अगर उसके बाद भी नहीं भरते हैं तो जो कैंडिडेट नॉट लिस्टेड हैं उनकी भी वेटिंग दोबारा से जारी करके उम्मीदवारों को यहाँ पर चयनित किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर NHM डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग ये अपडेट आ रही थी, क्योंकि कुछ समय आप सभी को और डाटा इंतजार करना है, क्योंकि रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा उनकी डाटा के लिए उन्हें यहाँ पर जो है लेटर भेज दिया गया है, और वो डाटा जो है फाइनल दोस्तों 2nd week तक जारी कर दी जाएगी, और जारी होने के बाद सभी उम्मीदवारों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस कराएगी। पर दोस्तों इस बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में उम्मीदवारों को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों जो पैटर्न है वो इस बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नेशनल हेल्थ मिशन द्वारा जो यहाँ पर जो है NHM MD है वो कुछ विपरीत तरह से कराएंगे, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर फर्जीवाड़े की भी अपडेट आ चुकी है, इसलिए सारी डॉक्यूमेंट की बढ़िया से स्कैनिंग की जाएगी, हर एक डॉक्यूमेंट को अच्छे से देखा जाएगा, उसके बाद ही कोई भी यहाँ पर जो है निर्णय उमेन ज्वाइनिंग के लिए लेटर सौंपा जाएगा। दोस्तों कई लोग तो लेटर मिलने के बाद भी यहाँ पर ज्वाइनिंग नहीं किए हैं, वो डॉट सेंटर खाली चुके हैं। तो दोस्तों कुछ समय और वेट करिए और आप सभी के लिए फाइनली वेटिंग लिस्ट के रिगार्डिंग जो अपडेट है आप सभी को मिल जाएगी। तो दोस्तों NHM डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग वेटिंग लिस्ट के रिगार्डिंग जो अपडेट आ रही थी मैंने आप सभी को शेयर करी, इसके रिगार्डिंग हमारे पास और कोई नहीं और अपडेट आएगी तो आप सभी को जरूर शेयर किया। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब दोस्तों जय हिंद।